नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर लगी मुहर। बाढ़ से सुरक्षा की तत्काल सूचना दर्ज कर होगी कार्रवाई। अनचाही कॉल्स पर AI फिल्टर से लगेगी लगाम। बिहार में अब हर पंचायत में होगा बैंक। WTC में हार के बाद भारतीय टीम के कोच और कप्तान में बदलाव पर सौरव गांगुली का बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ग्रामीण डाक सेवक पद पर आवेदन का एक और मौका। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक पद पर आवेदन करना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए एक और मौका दिया जाने वाला है। मालूम हो कि अब एक बार फिर से पंजीकरण लिंक 16 जून को उपलब्ध होने वाला है। ऐसे में वे अभ्यर्थी जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह 16 जून से आवेदन कर सकते हैं। वही आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 23 जून 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बता दें कि इस बैठक में राज्य के 2 जिलों के 3 लेवल क्रॉसिंग के बदले पहुंच पथ सहित ROB के निर्माण हेतु 74,63,68,000 रुपए, राज्यांश सहित कुल 149,21,13,623 के अनुमानित लागत पर योजनावार पृथक प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रख दिया गया है। DMCH में 2100 बेड के नए अस्पताल पर निर्माण पर स्वीकृति दी गई है। आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत दरभंगा शहर क्षेत्र से जल निकासी के लिए सिंटेस सहित कुल राशि 245,20,00,000 रुपए के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.7 में संशोधन एवं योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 318 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे शेखर सुमन के बारे में। शेखर सुमन का जन्म आज ही के दिन 1962 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, एंकर, निर्माता, निर्देशक और गायक है। वह द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी सुपरस्टार जैसे कई कॉमेडी शो में जज के रूप में नजर आ चुके हैं। शेखर सुमन ने 1984 में फिल्म उत्सव के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। फिल्म में रेखा के साथ अभिनय किया। शेखर ने इसमें चारू दत्त की भूमिका निभाई। इसके बाद वह हिंदी फिल्मों अनुभव, संसार, तेरे बिना क्या जीना, रणभूमि और चोर मचाए शोर में दिखाई दिए। शेखर ने 1993 में TV धारावाहिक देख भाई देख से अपना टेलीविजन डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने समीर दीवान की भूमिका निभाई। यह शो DD मेट्रो पर प्रसारित होता था। इसके बाद वह कई TV धारावाहिकों में दिखाई दिए। 2014 में उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत हिंदी फिल्म हार्टलेस से की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर समीर सक्सेना की भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने संगीत एल्बम कुछ ख्वाब ऐसे के साथ पार्श्व गायन की शुरुआत की। 2009 में शेखर सुमन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2010 में उन्होंने डांस रियलिटी TV शो झलक दिखला जा के सीजन 4 में भाग लिया। बाढ़ से सुरक्षा की तत्काल सूचना दर्ज कर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा बिहार में बाढ़ से सुरक्षा की तत्काल सूचना दर्ज करवाई जा सके, इसके लिए व्यवस्था तैयार कर ली गई है। बता दें कि राज्य का कोई भी व्यक्ति जल संसाधन विभाग को उसके हेल्पलाइन नंबर 1800-3456-145 पर सूचना देकर बाढ़ से सुरक्षा की जानकारी दे सकता है। वहीं जैसे ही विभागीय अधिकारियों को हेल्पलाइन के माध्यम से कोई सूचना मिलती है वह मुस्तैद हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी किया गया यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे कार्य करेगा। इसके साथ ही विभाग की ओर से बाढ़ पर फेसबुक और ट्विटर से भी नजर रखी जाएगी। ट्विटर या फेसबुक पर जानकारी देने के लिए कोई भी व्यक्ति /hello WRD के साथ पोस्ट कर जानकारी दे सकते हैं। अब दोपहर के बाद भी पाए OPD की सेवा। IPRD बिहार के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि अब राज्य में OPD की सेवा दोपहर के बाद भी उपलब्ध है। ऐसे में आमजन राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में दी जा रही OPD सुविधा का दोपहर के बाद भी लाभ उठाए। बता दें कि जारी किए गए पोस्ट के अनुसार मार्च से अक्टूबर
तक ओपीडी सेवा के निबंधन का समय सुबह में पूर्वाहन 8 बजे से अपराहन 1:30 बजे तक और शाम में अपराहन 3:30 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं ओपीडी का समय सुबह पूर्वाहन 9 बजे से अपराहन 2 बजे तक और शाम में अपराहन 4 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं रविवार एवं सरकारी छुट्टी के दिन लोगों को ओपीडी सेवा का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर आप ओपीडी सेवा संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए जारी किए गए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। अग्निवीर की शारीरिक दक्षता व मेडिकल जांच प्रक्रिया इस दिन से। अग्निवीर की शारीरिक दक्षता व मेडिकल जांच प्रक्रिया बिहार के मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 16 जून से शुरू होने वाली है। इसको लेकर 14 जून तक यानी आज तक बहाली के लिए होने वाली पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित विभागों को दे दिया गया है। बता दें कि 16 जून को होने वाले इस प्रक्रिया को लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर संवेदनशील चौक चौराहों और चक्कर मैदान के आसपास दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। वहीं मैदान की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है। इसके अलावा बहाली तक चक्कर मैदान में निगम को मोबाइल टॉयलेट स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि बहाली प्रक्रिया के दौरान मैदान में एक डॉक्टर की टीम, दवा, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की एक यूनिट गाड़ी भी मौजूद रहेगी। इसके साथ ही बहाली के दौरान जंक्शन पर में आई हेल्प यू काउंटर भी लगाया जाएगा, जहां अभ्यर्थियों को चक्कर मैदान और बहाली से संबंधित जानकारी दी जाएगी। हर्ष फायरिंग में अब आयोजक पर भी कस सकता है शिकंजा। बिहार में शादी विवाह जैसे माहौल पर हो रहे हर्ष फायरिंग पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई तैयारियां की जा रही है। बता दें कि अब इस कड़ी में पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों से पुलिस अधीक्षकों व वरीय पुलिस अधीक्षकों को हर्ष फायरिंग में सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बिना किसी वजह के अपने लाइसेंसिंग हथियार से फायरिंग की जाती है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उससे आवश्यक पूछताछ की जाएगी। वहीं जवाब संतोषजनक न पाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना तक दिया जा सकता है। मॉनसून की एंट्री से राज्य के कई जिलों के तापमान में आई कमी। प्रदेश में समय से पहले मॉनसून की एंट्री हो गई है। मॉनसून आने से पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई, जिससे राज्य के 24 शहरों के तापमान में कमी आई है। लोगों को हीट वेव और झुलसा देने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक राकेश कुमार के मुताबिक प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता अभी बनी रहेगी। बता दें कि IMD के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जिलों में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है। मॉनसून की सक्रियता से वातावरण में नमी बनी रहेगी। पश्चिमी हवा का असर होने के कारण अधिकतम तापमान 30 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया जिले में 1 या 2 स्थानों में लू की संभावना है। शराब छापेमारी में बाधा डालने वालों से अब ऐसे जाएगा निपटा। बिहार में आए दिन अवैध शराब की तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस पर मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा नकेल कसने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कई बार विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ होने वाली छापेमारी में लोगों के द्वारा अवरोध पैदा किया जाता है। ऐसे में इन लोगों से निपटने के लिए विभाग के द्वारा उन पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर विभाग की ओर से 700 स्प्रे का ऑर्डर दिया गया है। इस बारे में मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रीकृष्ण पासवान के द्वारा बताया गया है कि इन दिनों अवैध शराब की छापेमारी के दौरान हो रहे हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में आरोपियों को भागने का मौका भी मिल जाता है। वहीं ऐसे मामलों से निपटने के लिए विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है। बिहार में अब हर पंचायत में होगा बैंक। पंचायती राज विभाग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर बिहार में शीघ्र ही एक पंचायत एक खाता योजना लागू करने के लिए शिद्दत से काम किया जा रहा है। बता दें कि इसके लिए बैंक भी तय कर लिए गए हैं और अब बहुत जल्द ही इसकी सूचना सभी पंचायतों को भेज दी जाएगी, जिसके बाद पंचायतों को एक को छोड़कर बाकी बैंक खातों को बंद करना होगा। मालूम हो कि राज्य में इस योजना के लागू होने के बाद राज्य की सभी 8,057 पंचायतों के पास इतने ही बैंक खाते रहेंगे और इसी बैंक खातों में पंचायतों को सरकार की ओर से दी जाने वाली तमाम राशि मिलेगी और इसी खाते की राशि को पंचायत के द्वारा खर्च भी किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से डैशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सभी पंचायतों के बैंक खाते जुड़े रहेंगे और विभागीय मुख्यालय की ओर से पंचायतों के बैंक खातों पर नजर रखी जाएगी। अब घर बैठे पाए राजस्व नक्शा। अब घर बैठे आप राजस्व नक्शा पा सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि अब तक डोर स्टेप डिलीवरी के तहत राज्य के 12,000 से अधिक रायतों के घर तक राजस्व नक्शों को सफलतापूर्वक पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राज्य के सभी रायतों से अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि ऑनलाइन विधि से राजस्व नक्शों का ऑर्डर देकर घर बैठे अपने गाँव का नक्शा प्राप्त करें। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि
संसाधनों की भी बचत होगी और साथ ही आप भीड़ भाड़ एवं काउंटर पर लाइन में लगने से भी बचेंगे। बता दें कि नक्शों को ऑनलाइन मंगाने के लिए आप dlrs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि बिहार सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 से की गई थी। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार का प्रयास जारी। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी कोशिश के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये योजना बनाई गई है कि राज्य के सभी 38 जिलों में दिसंबर महीने तक मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को प्रभावी करा दी जाएगी। मालूम हो कि इस दिशा में विभाग की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 4 जिलों में शुरू किया गया है, जिसमें नालंदा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान शामिल है। इस योजना के तहत अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट की सुविधा, नजदीकी अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टरों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ आयुष्मान हेल्थ आईडी, आभा आईडी बनाने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत मरीजों को एक विशेष हेल्थ पहचान पत्र भी दिया जाएगा, जिसमें रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज होंगे। बिहार के लोगों को पक्का मकान के लिए करना होगा इंतजार। बिहार के वैसे गरीब लोग जो पक्का मकान के इंतजार में हैं, उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल ग्रामीण विकास के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा की गई मांगों को केंद्र सरकार के द्वारा नकार दिया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार के द्वारा आवास के लक्ष्य का स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री आवास सूची की प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध 13,51,976 लाभुक आवास का फायदा लेने से वंचित रह गए। मालूम हो कि बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा 2 मई 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13,50,000 भौतिक लक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया था, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नकार दिया गया। दलित आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर होगी संपर्क व्यवस्था। बहुत जल्द ही राज्य के दलित आदिवासी क्षेत्रों में भी संपर्क व्यवस्था बेहतर होने वाली है। दरअसल ऐसे इलाकों में संपर्क व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सड़क व पुलियों के निर्माण की योजना को राज्य सरकार के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है और साथ ही इसके लिए 7 करोड़ रुपए की योजना की तत्काल स्वीकृति भी दे दी गई है। मालूम हो कि इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गई है और अब बहुत जल्द ही इस पर विधिवत तरीके से काम किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जारी किए गए इस राशि से दलित आदिवासी क्षेत्रों में सुलभ संपर्कता के लिए छोटे छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा, ताकि उन्हें निकट में क्षेत्र में कहीं जाने आने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अहिल्या स्थान के बारे में। अहिल्या स्थान दरभंगा जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यह दरभंगा जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर है। इस जगह को अहिल्या उद्धार स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रामायण युग में ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या जी को ऋषि गौतम जी ने श्राप दिया था कि वह पत्थर में बदल जाएंगी और ऋषि गौतम की पत्नी पत्थर में बदल गई। जब श्री राम जी वनवास काल के दौरान यहाँ पर आए थे तो उनके पैरों के स्पर्श से अहिल्या जी फिर से मनुष्य रूप में आ गई। पौराणिक तथ्य रामायण में आपने जरूर सुना होगा, यह जगह उसी बात की सूचक है। यहाँ पर आपको मंदिर देखने के लिए मिलता है जो बहुत ही प्राचीन है और बहुत सुंदर है। मंदिर का शिखर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको तालाब भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर उस पौराणिक घटना को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर आपको श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, ऋषि गौतम जी, उनकी पत्नी अहिल्या जी, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। अनचाही कॉल्स पर एआई फिल्टर से लगेगी लगाम। अगर आप भी अनचाही कॉल से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि अब अनचाही और स्पैम कॉल्स पर एआई फिल्टर से लगाम लगाया जाएगा। मालूम हो कि ट्राई के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को 30 जून तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी को अनचाही कॉल का डाटा भी कॉमन प्लेटफॉर्म पर शेयर करना होगा। एआई की मदद से एडवर्टाइजिंग वाले फोन कॉल और प्रमोशनल मैसेज की पहचान की जा सकेगी। इसके बाद ऐसे नंबरों को ब्लॉक किया जा सकेगा। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को एक कॉलर आईडी फीचर देना होगा, जिसके जरिए कॉल करने वाले नंबर के बारे में जानकारी मिल पाएगी कि नंबर स्पैम है या नहीं। श्रावणी मेला के कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के लिए करें आवेदन। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बिहार के भागलपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इसके लिए आपको 20 जून तक अपना आवेदन जिला सामान्य शाखा भागलपुर में जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय कलाकार अपना आवेदन ईमेल श्रावणी मेला bgp2023@gmail.com या जिला वेबसाइट bhagalpur.nic.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के दौरान आपने अगर बीते वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी कोई प्रस्तुति दी थी तो आप उससे संबंधित डॉक्यूमेंट संलग्न कर सकते हैं। इसके साथ ही कलाकार का नाम, संस्थान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कला की प्रस्तुति का नाम एवं कलाकारों की संख्या व प्रस्तुति का समय, पूर्व में यदि कोई यूट्यूब चैनल पर आपने वीडियो लोड की है तो उसका लिंक, बैंक अकाउंट नंबर, आधार और अन्य सूचनाएं अंकित करनी होगी।
निगरानी विभाग का सभी डिपार्टमेंट के लिए सूची। निगरानी विभाग के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी मार्च महीने में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवों को पत्र भेज ये जानकारी दी गई है कि उनके विभाग में कितने सरकारी सेवक दागी हैं। बता दें कि विभाग की ओर से जारी किए गए लिस्ट में परिवहन विभाग के दर्जन भर अधिकारी कर्मियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस, ट्रैप केस व AOPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें कुछ में चार्जशीट दाखिल किया गया है तो वहीं काफी संख्या में केस अभी भी जांच में ही है। निगरानी विभाग ने बताया है कि हर वर्ष जनवरी एवं जुलाई में संबंधित विभाग को वैसे सरकारी सेवकों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज है व चार्जशीट दाखिल की गई है। संतोष सुमन का इस्तीफा हुआ मंजूर, RJD ने बोला ये। बीते दिन जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के द्वारा इस्तीफा दिया गया था जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मंजूर कर दिया गया है। वहीं अब इस पर RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के द्वारा कहा गया कि जीतन राम मांझी का मन डोलते रहता है, वे समय समय पर निर्णय लेते रहते हैं। पूर्णिया में हुई रैली के दौरान CM नीतीश ने बोला था कि मांझी इधर उधर न जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन जीतन राम मांझी अपनी सुविधा के अनुसार पाला बदलते रहते हैं। उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है और आने वाले दिनों में उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा, लेकिन उनके इस फैसले से महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने मांझी को शुभकामनाएं दी और कहा कि वह जहां भी जाए बिहार के हित में काम करे। मांझी के बेटे के इस्तीफे पर BJP का बड़ा हमला। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के द्वारा नीतीश कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है। वहीं अब उनके द्वारा दिए गए इस इस्तीफे पर बिहार के पूर्व मंत्री व BJP नेता शाहनवाज हुसैन और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। एक तरफ जहां शाहनवाज हुसैन के द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक करने में लगे हैं और जीतन राम मांझी ने उनका साथ छोड़ दिया है, अब महागठबंधन सरकार की उल्टी शुरू हो गई है, सब महागठबंधन से बारी बारी से बिछड़ रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव अब तन्हा रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कहा गया कि जिस तरह से मांझी के द्वारा शपथ लिया जा रहा था कि वह नीतीश के साथ रहेंगे, ऐसे में मांझी पर विलय के लिए दबाव बनाना ठीक नहीं है। नीतीश की सरकार में दलितों का शोषण किया जा रहा है, अपने अहंकार के कारण वे अपने सहयोगी दलों का सम्मान नहीं करते, जिसके पास अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान होगा वो नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। WTC में हार के बाद भारतीय टीम के कोच और कप्तान में बदलाव पर सौरव गांगुली का बयान। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 209 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय टीम की कप्तानी और कोचिंग पर सवाल उठने लगे थे और साथ ही सोशल मीडिया पर फैंस के द्वारा आने वाले टूर्नामेंट्स में टीम में बदलाव को लेकर सुझाव दिए गए। वहीं अब WTC में हार के बाद भारतीय टीम के कोच और कप्तान में बदलाव पर भारत के पूर्व कप्तान BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि यह एक बड़ा फैसला है और सोशल मीडिया कैसे इन फैसलों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि रोहित और राहुल अपनी सही जगह पर है, विराट खुद 2 साल पहले टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कम से कम विश्व कप तक राहुल और रोहित टीम के साथ कोच कप्तान के रूप में जुड़े रहेंगे। मुझे नहीं पता कि विश्व कप के बाद रोहित के दिमाग में क्या होगा और वह क्या करना चाहता है। इस समय भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोच और कप्तान है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। डॉक्टर CV रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार 1958 को प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने 2008 में अलग गोरखा लैंड राज्य के निर्माण की संभावना को खारिज किया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 96 मीट्रिक टन की सोने की खान का पता चला। विशाखापत्तनम में 2012 को भारतीय इस्पात संयंत्र में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म 1595 में हुआ। वैज्ञानिक सतीश चंद्र दासगुप्ता का जन्म 1880 में हुआ। भारतीय अभिनेता भारतीय भूषण का जन्म 1920 में हुआ। भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता तथा पटकथा लेखक के आसिफ का जन्म 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। आदित्य बिरला समूह के भारतीय उद्योगपति और अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला का जन्म 1967 में हुआ। आज के दिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बालकर में आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट PSU तेल विपणन कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलरशिप की पेशकश करने का दावा करती है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट नकली है। रिटेल आउटलेट डीलरशिप पर प्रामाणिक और आधिकारिक जानकारी के लिए पेट्रोल पंप डीलर चयन .in पर जाएं। लैपटॉप या डेस्कटॉप में व्हाट्सएप यूज करने वाले यूजर्स को जल्द मिलेंगे ये फीचर।
व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के मुताबिक कंपनी विंडो यूजर्स को जल्द लैपटॉप और डेस्कटॉप पर दो नए फीचर्स ऐप में देने वाली है। दरअसल कंपनी विंडो यूजर्स के लिए एडिट फीचर और वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर फीचर पर काम कर रही है। एडिट फीचर के तहत यूजर्स भेजे गए मैसेज को अगले 15 मिनट तक एडिट कर पाएंगे। इसी तरह शेयर स्क्रीन फीचर को ऑन करने से यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। शेयर स्क्रीन को वो लोग भी देख पाएंगे जिन्होंने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल ज्वाइन की है। बिहार के इतने लोग देश के 24 राज्यों में उठा रहे वन नेशन वन कार्ड का लाभ। बिहार के वैसे लोग जो अपनी आजीविका चलाने के लिए देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके परिवारों को वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। मालूम हो कि राज्य में करीब 1.5 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत बिहार के परिवार देश के 24 राज्यों में कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ बिहार के 1.12 लाख परिवार इस कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। वहीं हरियाणा में 22,061 परिवार, महाराष्ट्र में 7,604, गुजरात में 2,337, राजस्थान में 2,200, दमन एंड दीप में 1,773, हिमाचल प्रदेश में 1,562, जम्मू कश्मीर में 928, उत्तराखंड में 858, झारखंड में 808 परिवार ऐसे हैं जो वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं। मालूम हो कि आंकड़ा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा दिया गया है। इनके आंकड़े के अनुसार ऐसे देश के कुल 24 राज्य हैं जहां बिहार के कमजोर आर्थिक आय वर्ग के परिवारों के द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्ड की मदद से लोगों को दूसरे राज्यों में खाद्यान्न की महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं बिहार में देश के दूसरे राज्यों के कुल 4,900 परिवार ऐसे हैं जो इस कार्ड का लाभ ले रहे हैं। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, उन्नू गोलू कुमार, मुन्नी कुशवाहा, मंतोष कुमार, शंकर मुखिया, प्रयाग सिंह, रविशंकर, मोहम्मद इरफान, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार रंजन, उमेश ऋषिदेव, के सिन्हा, अमरजीत यादव, राजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, मनोज कुमार, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में मॉनसून की एंट्री से आपके क्षेत्र के तापमान में कोई बदलाव आया है या नहीं? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।